फ्रेंड्स मुझे कमेंट आया था कि हैंड एक्सप्रेशन के फुल वीडियो जो है पूरा फॉर्मा हॉट फॉर्मेंटेशन से लेके मसाज और एक्सप्रेशन अलग के सब पूरा वीडियो एक ही वीडियो में होना चाहिए। तो आपके लिए मैं एक ही वीडियो बना रही हूँ पूरा, आप प्लीज पूरा देखिएगा क्योंकि ये लॉन्ग होने वाला है और आपको डिटेल में मिलेगा ये पूरा वीडियो। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का प्यू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ मित्र होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको है ना जो आपके नाखून जो है वो कटे होने चाहिए, हाथ अच्छे से सैनिटाइज होना चाहिए, अच्छे से साबुन से धुआ होना चाहिए और जो ब्रश है वो भी क्लीन होना चाहिए, उस पर दवा वगैरह जो तेल वगैरह रहता है वो नहीं होना चाहिए, जिससे आप ना अच्छे से मसाज कर सको, जो फर्स्ट स्टेप है वो कंटिन्यू कर सको वैसा होना चाहिए। पहला तरीका है कि आप सिंक के पास जाओ और अपने ब्रश को ओपन रखो, मतलब कि ऊपर का जो चीज़ें हैं वो निकाल के ब्रश के ऊपर अच्छे से गर्म पानी ऐसे डालो, तो फिर इससे ना जो ब्रश है हॉट मतलब हो जाएगा, फर्मेंटेड हो जाएगा। इस्तेमाल कर सकते हो। आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से कपड़ा लेना है, ये देखिए ये दिख रहा है ना कपड़ा, ये लेना है और इसको चार फोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से, और फिर उसके बाद गर्म पानी लेना है जितना आप बर्दाश्त कर सको, गैस पे गर्म पानी रखे और उंगली डिप करके देखे कि ना आप बर्दाश्त कर रहे हो सकते हो कि नहीं, फिर उसके बाद उतारना है और उसमें पानी में ये कपड़ा डिप करना है। डिप होने के बाद ये पूरा गीला हो जाएगा और फिर इसे निचोड़ लेना है कुछ इस तरह से, पूरा निचोड़ के यह जो कपड़ा है वो गीला हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इस तरह से रखना है, सेक देना है अपने ब्रश को पूरी। थर्ड स्टेप, अगर ये भी नहीं हो रहा है तो क्या करना है, जो पानी है ना वो आपने गर्म कर लिया, फिर उसके बाद ये जो हाथ है ना उसके अंदर डालना है जितना आप वार्म फील कर सको, उसके बाद इस तरह से आपको थोड़ा जेंटल मसाज देना है ऐसे, थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से। वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो कि आप गर्म पानी का हॉट बैग आता है ना उसका ना गर्म पानी डाले और उसके बाद सेक दे। तरीका है कि आप कोई भी एक अच्छा सॉक्स ले ले, ये एक इंटरनेशनल तरीका है और पर है ना ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर इसको खोले और इसके अंदर ये देखिए मैं चावल ले रही हूँ, थोड़ा सा चावल ले रही हूँ क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अब आधा किलो चावल लीजिए और इसके अंदर इस तरह से पोर कीजिए, देखिए देखा कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, अभी मैंने थोड़ा लिया है, नहीं नॉर्मली आधा किलो यहाँ तक आता है। फिर उसके बाद आपको इसको इस तरह से गांठ मारनी है, मैंने छोटा सॉक्स लिया है, आप बड़ा ले सकते हो क्योंकि आप आधा किलो ले रहे हो। फिर उसके बाद आपका क्या करना है, माइक्रोवेव करना है। माइक्रोवेव में कैसे करना है, माइक्रोवेव में रख देना है, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ माइक्रोवेव में इसे रख देना है, और जो माइक्रोवेव ऑन करने के बाद ऑलमोस्ट आपको 30-35 सेकेंड्स रखना है जिससे ये अच्छी तरीके से चावल जो है गर्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसे लेना है और इस तरह से सेक करना है, दोनों ब्रश पे करना है, एक ब्रश पे नहीं दोनों ब्रश पे करना है इस तरह से, आपको जितना सहन हो सके उतना करना है अच्छी तरीके से। हॉट फर्मेंटेशन के बाद ब्रश जो है वार्म हो जाता है जिसके वजह से मिल्क जो है बहुत अच्छी तरीके से निकलता है। अब चलिए बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जिसमें मैं मसाज सिखाऊंगी। पहला स्टेप है मसाज का, आपको क्या करना है, इस तरह से ब्रश को लेना है और सिर्फ शेक करना है, शेक 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 स्टॉप, शेक 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 स्टॉप, शेक 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 स्टॉप। एक बार आपका 8-10 बार यहाँ से शेक 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 स्टॉप हो गया ना, फिर ऊपर लेना है इस तरह से, शेक 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 स्टॉप, शेक 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 स्टॉप, शेक 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 स्टॉप, इस तरह से आपको 8-10 बार करना है। सेकेंड स्टेप है नक्कल मसाज, ये देखिए इस तरह से आपको मुट्ठी बनानी है और निप्पल के ऊपर जो है ब्राउन एरिया के ऊपर आपको इस तरह से, देखो किस तरह से मैं सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ, उस तरह से सर्कुलर मोशन में पूरे ब्रश में करना है कुछ इस तरह से, तो इससे जो ब्रश है बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रैमुलेट होगा। ये देखिए किस तरह से कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में, ये बहुत अच्छा रिलीफ देता है और जो दूध है बहुत अच्छी तरीके से आता है। अगर आपका इंगोजमेंट हो गया है बहुत ज़्यादा तो उसमें भी अब ऐसा करते जाओगे ना तो आप देखोगे थोड़ा थोड़ा करके दूध भी रिलीज होएगा।
थर्ड मसाज की तरफ जाते हैं, आपको है ना जेंटल मसाज करना है, मतलब कि जेंटल मतलब कि हल्के हाथों से, ज़्यादा पेन ना हो वैसे। आपको सारी उंगलियों से ऐसे 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 रोटेशन में इस तरह से घुमाना है अपनी उंगलियों को, इस तरह से। इससे सारे जो पोर्स है वो खुलने में हेल्प हो जाती है। पूरे रोटेशन में घुमाना, मैं एक तरफ आपको दिखाने के लिए घुमा रही हूँ और दोनों ब्रेस्ट में करना है इस तरह से। इससे ना बहुत अच्छा रिलीज़ होता है, जो डक्स बंद हो गई है उसे ओपन होने में भी मदद मिलती है। आपको तीन तरीके का मसाज बताई, पहले शेक 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 शेक, और दूसरा नकल मसाज, तीसरा दिखाया पॉइंट। अगर आप इस हाथ से मैं करूँ तो ये पूरा अच्छे तरीके से मसाज हो रहा है, क्योंकि मैं इस हाथ से दिखा रही हूँ, एक हाथ से माइक पकड़ा है तो फिर थोड़ा सा है। अगर मैं इस तरह से करूँ देखिए पूरा अच्छी तरह से हो रहा है। और है ना कल्चरली पोस्ट मसाज भी फॉलो करते हैं, जो आपको नहीं करना है। कल्चरली ना ऊपर से इस तरह से मसाज करते, इस तरह से, इस तरह से, तो फिर ये मसाज आपको नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है ना यहाँ पर होता है, जिसके वजह से ना पूरा लिम्फेटिक फ्लूइड ना ब्रेस्ट में चली आता है, और ये अच्छा नहीं है, ये वाला मसाज आपको नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप जानते हैं कि आप रॉन्ग जो करते हैं ना ब्रेस्ट में से हैंड एक्सप्रेशन करते हैं वो किस तरह से लोग करते हैं वो चलिए दिखाती हूँ। क्या करते हैं, इस तरह से सी करते हैं अंगूठा ऊपर और ये नीचे, इस तरह से पकड़ते हैं अपने ब्रेस्ट को और इस तरह से प्रेशर दे के नीचे लाते हैं, ऊपर से प्रेशर दे के नीचे लाते हैं। इस स्टेप में क्या होता है कि आपके जो पूरा हाथ है ना दर्द होता है, उंगलियों प्रेशर देने की वजह से उंगलियां भी दर्द होती है और ब्रेस्ट तो सैग हो ही जाता है और उसमें दर्द भी होता है। इस चीज़ में आपको है ना पहले दो स्टेप आपने फॉलो कर लिए हैं, मैंने सोच लिया आपने कर लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, क्लीन चम्मच लेना है, इसे ना अच्छी तरीके से क्लीन होना चाहिए, इसमें दूध निकलेगा। और पहली बात, जो निप्पल होता है ना वहाँ पर आपको प्रेस नहीं करना है और ना ही ब्राउन एरिया में प्रेस करना है। इन दोनों एरिया में प्रेस करोगे तो दूध नहीं निकलेगा। आपको है ना ब्राउन एरिया से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 1 सेंटीमीटर आपने इतना समझ लो ऊपर करना है और जेंटल ये प्रेस करना है। ये देखिए इस तरह से, और जो चम्मच है उसके नीचे रखना है एकदम निप्पल को टच करके, इस तरह से आप करना है। ये देखिए इस तरह से, तो फिर सारा जो दूध है इसके अंदर कलेक्ट होगा। स्टेप को करने के लिए जो अंगूठा है ना ऊपर होना चाहिए और ये जो दो उंगली दिख रही है ना वो ब्रेस्ट के नीचे होनी चाहिए और आपको कुछ इस तरह से प्रेस करना है। इस पिसलने वाला चीज़ नहीं करना है, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से नहीं करना, ना इस तरह से पिसलने वाला नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से जेंटल करना है। अंगूठा ऊपर दो उंगली नीचे, उसी का ही प्रेशर आएगा और निप्पल के पास जो है आपका चम्मच जाएगा जिसमें आपका दूध निकलेगा और बहुत अच्छी तरीके से दूध निकलता है, गारंटी है मेरी। फ्रेंड एक तरफ से आपने प्रेस किया 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 और दूध निकला, अब दूध निकलना बंद हो गया है तो आपको, आपने सपोज इस तरह से प्रेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा पोजीशन चेंज करना है कुछ इस तरह से, फिर उसके बाद प्रेस करना, आप देखोगे दूध निकलेगा। फिर थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करना है, फिर पूरा रोटेशन में आपको है ना अपने ब्रेस्ट को उसी तरह से प्रेस करना है, 1 सेंटीमीटर ऊपर एरोला के जो ब्राउन पार्ट है ना उसके 1 सेंटीमीटर ऊपर से। सपोज आपको दूध निकल रहा था फिर उसके बाद फिर से बंद हो गया तो आपको क्या करना है, फिर से हॉट फर्मेंटेशन करना है, फिर नकल सारा मसाज करना है जो जो मैंने पिछले वीडियोस में दिखाया था, फिर उसके बाद फिर से आपको करना शुरू कर देना है। इससे ना आपके हाथ भी नहीं दुखेंगे, आपका ब्रेस्ट सैग भी नहीं होगा और दर्द भी नहीं होगा जो निप्पल्स पे होता है, ब्रेस्ट पे होता है। जो टेक्निक है वो जो जिसके बच्चे सेपरेटेड है उसके लिए भी वर्क करता है, क्योंकि इस तरह से आप अपना दूध निकाल कर स्टोर करके बच्चे को भेज सकते हो। आप पूछोगे कि इस जो दूध मैंने निकाला है इसे क्या करना है, इसे है ना डायरेक्टली आप बच्चे को पिला सकते हो तो पिला दो, अगर नहीं कर सकते तो एक ऐसी सिरिंज खरीद लेनी है और इसके अंदर पूरा दूध भरना है, पैक करना है और रेफ्रिजरेट करना है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है किस तरह से रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो चम्मच है ना कुछ इतना दूरी पे नहीं पकड़ना है, डायरेक्ट इस निप्पल के नीचे ही पकड़ना है ताकि है ना जो दूध है इस नीचे की जो तरफ जाए और वेस्ट हो जाए। अगर आप इस तरह से पकड़ोगे ना तो फिर सारा दूध इस चम्मच में ही आएगा।
इसके अंदर टच इन्वॉल्व है, इमोशन इन्वॉल्व है और हैंड एक्सप्रेशन इतनी बेस्ट टेक्निक है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी बढ़ाने में हेल्प करेगा। ब्रेस्ट पम्प आप यूज़ करोगे ना, वो एक वक्त के लिए अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें से ब्रेस्ट मिल्क कम हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेस रहता है। आज का वीडियो यहीं तक था, होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयू प्रिंस, यहाँ तक वीडियो देखा है, धन्यवाद, चलिए बाय।